बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, ये जो यूनिवर्सिटी का स्कैंडल है इसमें इवान सलासर के जो है ना वो रेड वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये देखेंगे खबरें हैं, ये बोल न्यूज़ ने खबर दी है और इसके अलावा जो जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व उन तक वो पुलिस पहुँची है, ये देखें। और ये खबर बोल ने भी दी है, इसी तरह से समा ने भी दी है, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं और ये जो है दायरा वसी कर दिया गया है उन्हें अपनी इसका कैसे कह रहे हैं कि वो कि जो है इन्वेस्टिगेशन का। तो ये देखें बार बार न्यूज़ चल रही हैं, समा पे चल रही हैं, बोल पे चल रही हैं, दुनिया पे चली हैं, डॉन पे चली न्यूज़ चली है। तो ये कौन कौन लोग और कैसे कैसे था, क्या क्या करप्शन चल रही थी, क्या क्या हो रहा था, ये देखें। हम ये सब मैं कुछ नहीं कह रहा, बल्कि ये जो कुछ आ रहा है अखबार में या चैनल्स पे या जो जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं वो आप देखिएगा। इसमें हॉस्टल के वार्डन्स भी ये मुलव्वस हैं, स्टूडेंट्स भी मुलव्वस हैं, टीचर भी मुलव्वस हैं। और देख लीजिएगा एक वो DSP रिटायर हैं वो भी मुलव्वस हैं। तो ये सारा कुछ जो है आपके सामने है, आज मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा आपके सामने। ये देखेंगे तस्वीर जो आ रही है, इसमें उसने बताया है कि तस्वीर से कैसे कैसे कौन कौन लोग जो थे इसमें इन्वॉल्व थे और किस किस तरह से उन्होंने इसको अपने तौर पे मकसद बढ़ाया और इस्तेमाल किया गया। ये सारे की सारी तफसीलात हैं, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा बाद में, लेकिन ये देखें ये आपके सामने चल रहा है कैसे कैसे ये लोग आए हैं, क्या क्या हुआ है, किस तरह से हुआ है। और अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमारी बच्चियों को महफूज रखे। और हम चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो है पाक माहौल हो, अच्छा माहौल हो, क्योंकि इससे इस्लामिक यूनिवर्सिटी है, नाम तो सारे का सारा आवा ख़राब है। देखते हैं अब क्या होता है और हुकूमत जो है और गवर्नमेंट जो है इसके लिए क्या करती है और किस तरह से इसको ये लोग टैकल करते हैं या किस तरह से इसका कोई हल किया जाता है, क्योंकि इसका हल जो है वो हमें वाज़े तौर पे जो है इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे लगता है कि जैसे आपके सामने थे कि जितने भी मुजरिम हैं वो सारे छूट देते हैं। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो लेकिन ये बहुत ही जो है ना तकलीफ़ दे और शर्मनाक खबर है। जाकल्ला।